फैमिली मुझे कहती है कि आपके पैर में चक्री लगे हुए, मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, ट्रैवल का शौक है, तो ये अवार्ड में आना मेरे लिए बिल्कुल लाजमी है, करेक्ट है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, देखूँ कौन से अच्छे हैं, हु आई शुड ट्राई अगेन। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, मैं कहती हूँ मैं फ्री कंट्री में रह रही हूँ, मैं अगर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही हूँ तो मैं जैसा रहना चाहूँ मुझे रहने दिया जाए। अभी हमारे दो फिल्म्स कंप्लीट हुए, एक भोगा खिड़की एसमीज जानू बरवा का और एक पानी बाय आदिनाथ कोठारे। सो पानी, बोथ ऑफ देम हैव बीन पिक्ड अप फॉर फेस्टिवल इन न्यूयॉर्क, इंटरनेशनल इंडियन फेस्टिवल, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छी, इस साल ये दो फिल्म आ रहे हैं हमारी। वेल, मेरी फेवरेट जो है वो स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे जा चुका हूँ लेकिन हमेशा जाने का मन करता है, हमेशा ये सोचता हूँ कि जब भी छुट्टी मिले वहीं पे जाए। और मेरी फेवरेट जगह है स्विट्जरलैंड। आई मीन बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि जहाँ पे जब टाइम होता है तो इंस्टाग्राम में जाके हैशटैग स्विट्जरलैंड डालना पड़ता है और जितनी भी उसकी वीडियोज़ पिक्चर्स देख के इतनी खुशी मिलती है और लगता है कि जैसे ही नेक्स्ट छुट्टी होने वाली है, जैसे ही हम हॉलीडे का प्लान करने वाले वहीं पर जाएंगे। कश्मीर में मैं एक्चुअली 3 साल मैंने पढ़ाई की है वहाँ पर, और कश्मीर मेरी फेवरेट जगह है। और वहाँ पे आप किसी भी मौसम में कभी भी आप जा सकते हो, उतनी खूबसूरत जगह है वो। वैसे जैसे मैंने बताया कि स्विट्जरलैंड मेरी बहुत फेवरेट जगह है और मुझे मालूम था इस अवार्ड में आने वाला हूँ, तो स्विट्जरलैंड में बहुत ठंड होती है तो इसलिए ठंड वाले थोड़े कपड़े मैंने डाले हैं। कुछ नहीं, और हमेशा बोलते हैं कि लड़के बहुत कम टाइम लेते हैं, मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 घंटा लेता हूँ तैयार होने में, क्योंकि पहले बाल बनाए जाते हैं क्योंकि बाल इतने लंबे हो गए हैं, फिर मेकअप होता है, हेयर होता है, फिर स्टाइलिश आती हैं, उनको जैकेट पसंद करना है, तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटा ज़रूर लगता है। वेल, कुछ रिवील करने का ऐसा कुछ है नहीं, बाल हमेशा आपने शॉर्ट हेयर में मुझे देखा है, तो हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा लुक बदलता रहूं। जो भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट करूंगा, मेरी कोशिश है कि ये कुछ नए लुक में मैं कर पाऊं। सो आई एम वेयरिंग शैला कान टुनाइट, आई रियली लव हर आउटफिट्स, इट्स सुपर कंफर्टेबल एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी शीक। सो या, actually can't talk about my upcoming projects right now, but I can certainly say that the journey with Jungly has been absolutely amazing. I've had some wonderful moments on the set, and I also post release life has slightly changed a bit, I can confidently say that. So I'm in a happy space at the moment. No, it's definitely not easy, I had to start from scratch, so it's very important to understand the traits that you require to win a beauty pageant is very different in doing a film. In a film, you really have to hone a lot of other characteristics as well. So I won in the year 2014, but it took me 3 years to bag this film. So I was constantly working, be it dancing, singing, martial arts, you name it, and you got to work on yourself, go give auditions, and that's when I got this part. So it's not easy. You have to start from scratch. I went with my ex-girlfriend's boyfriend, Vikram. Meenakshi, ex-girlfriend. पहली एक्स गर्लफ्रेंड, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतना मुझे इतना कंफर्टेबल फील होगा और इतना ज़्यादा मैं इन्जॉय करूँगा। हम लोग इस्तांबुल गए थे टर्की, और वहाँ से हम लोग गाड़ी चला के कैपेडोकिया गए, कुछ 300 मील दूर है। लेफ्ट हैंड ड्राइव मैंने पहली बार चलाई थी, हम लोग इस साइड बैठते हैं, उसमें उस साइड बैठना होता है। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं, हम लोग केव्स के अंदर रहे थे, डॉम्स टाइप का डॉम केव था, बहुत अच्छा लगा। राइड होती है थोड़ी, हम लोग सारी सेफ्टियों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने बाइकें चलाई अपनी, एंड इट वाज रियली नाइस, क्योंकि शायद सर इज़ अ रियली रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर राइडर, एंड आई थिंक ही केप्ट द होल टीम टुगेदर एंड मोटिवेटेड एवरीवन टू बी इन द प्रॉपर गियर, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। एंड आपको जब सीनियर राइडर्स अच्छी सलाह देते हैं तो सीखना चाहिए उससे, और I was really inspired. Happy to be here, and what I am wearing tonight is by my designer friend Ashima's Couture. So it's a blingy blazer with pants, and I think this is the right fit for the evening. Well, it's a travel award, and I'm someone who loves to travel, who loves to explore different places around the globe. So all I'm looking for is some amazing people from the travel industry getting together, and we as celebs, we travel so much. So it's, I think, a nice joint venture, and I look forward to the grand awards. Well, I'm majorly working in South, so my next release is the film Sita, which is getting released this month. It is with one of the top directors in South, with director Teja. So it's starring me, and it's starring Kajal Agarwal, who has done quite a lot of Hindi films as well. So I look forward to that.
I think I was 3 years old when I went to, yeah, I went to Hawaii. I remember everything from when I was three, I think. I went to Hawaii and on the way we stopped at Singapore for 2 days. Wahan pe Jerong Park tha and wahan pe wo birds the jo itne bade bade the. So I remember looking at those. And then Hawaii, I remember I sat on the beach full day and I got really tanned and came back. Commando 3 is almost done, which you all are all excited about. Yes, I'm Bhavna Reddy and I still speak in that accent only. And there is Man to Man, which we've just announced, jahan pe main, I'm a man in the movie. And I've posted the picture with the mustache and everyone's quite excited about that. So I don't feel pressurized because I feel like you guys are very nice to me. You will be nice to me even then. So I'm very excited to show everyone the film. I'm very excited to share it with everyone because it's something that's very close to my heart. I feel it's one of my best performances. So I'm like waiting to show people. I'm really excited. Pressure is there but that comes with it. So I'm happy. It's been really, really nice. I've been blessed to work with some great directors. Of course, the bestest thing that to happen was Tigers in the Hair and Padmavat with Sanjay sir. And I'm forever grateful. And I'm looking for many, many, many more adventures. Ek film mein kar rahi hu, it's quite a big film and very nice, but I can't really talk about it right now because it's not been announced. There are a lot of web series that I've been doing. I hope you've caught some. And there are Sacred Games 2 coming up. And something with wood coming up. There's criminal justice already on air. मैं राजस्थान की हूँ तो मुझे राजस्थान बहुत पसंद है और खासकर मुझे केरला भी बहुत पसंद है एंड एज अ सिटी समहाउ आई ऑलवेज यू नो फेल्ट वेरी अट्रैक्टेड टू कैलकटा लाइक बिन देयर कपल ऑफ टाइम्स बट आई जस्ट फील वेरी ब्यूटिफुल व्हेन आई एम इन कैलकटा सो दीज आर द फ्यू प्लेसेज आई रियली रिलेट टू बट देयर सो मच टू एक्सप्लोर इन इंडिया स्टिल लाइक मैंने ईस्ट अभी तक नहीं देखा एंड आई एम होपिंग कि आई विल विजिट इट सून